नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यून टेक वर्ल्ड। दोस्तों, आज के दिन में दुनिया डिजिटल हो चुका है। हर चीज आपको डिजिटल हो चुका है। आपका आधार कार्ड डिजिटल आधार कार्ड आ गया, पैन कार्ड डिजिटल आईडी हो गया, तो आपका वोटर आईडी क्यों ना हो डिजिटल में। तो आपको वोटर आईडी डिजिटल ईपीआईसी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको वोटर पोर्टल ईसीआई गवर्नमेंट जीओवी इन में जा करके आप अपना ईपीआईसी कार्ड को डिजिटली डाउनलोड कर सकता है। वो कैसे है हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे, और उसके लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेंगे जो आप करने के लिए। तो आपको एक ईपीआईसी नंबर का जरूरत पड़ेंगे, और उसके साथ साथ में आप क्या क्या कर सके। आपको एनरोल टू वोट कर सकता है, चेक में एनरोलमेंट कर सकता है, अपडेट में डिटेल्स आपका एपिक कार्ड का डिटेल्स अपडेट कर सकता है, और आपका पोलिंग स्टेशन को जहाँ है वो उसका फाइंड आउट कर सकता है, और बीएलओ कौन है, और आपको डाउनलोड ईपीआईसी कर सकता है। उसके लिए आपको यहाँ पे अपना आईडी रजिस्टर करना पड़ेंगे, और रजिस्टर करने के बाद ऑथेंटिकेट करने के लिए आपका मोबाइल पे ओटीपी आएंगे, उसके बाद लॉगिन करोगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो प्रोसेस कैसे है हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो में जाने से पहले दोस्तों, ये आपका चैनल है और हमारा जितना भी वीडियो आएंगे वो आपके पास पहुंचने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन बगल में लगा हुआ उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करने से हमारा जितना भी आने वाला वीडियो है हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। तो हम अभी बिना समय बर्बाद करते हुए हम चलें अभी अपना वीडियो में। तो यहाँ पे देखिएगा, क्रोम ओपन किया, यहाँ पे वाटर पोर्टल का एक यूआरएल था, waterportal.eci.gov.in। इस पोर्टल का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे और आपका स्क्रीन में सामने भी आ रहा है। तो ये लगा करके आपने एंट्री किया तो आपका इस तरह पेज खुल जाएंगे। आप ये मोबाइल में भी कर सकते हैं या अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी कर सकता है। यहाँ पे देखिएगा, अगर आपका पास अकाउंट नहीं है, यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर आपको क्लिक करना। क्लिक करते हुए इसी तरह पॉपअप खुल जाएंगे। यहाँ पे अगर सेलेक्ट इफ यू आर ओवरसीज सेलेक्टर है, अगर है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आईडी के साथ में आप लॉगिन कर सकता है। मोबाइल नंबर एंट्री करने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हुए अपना ओटीपी मोबाइल पे चला जाएंगे। यहाँ पे आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी गए होंगे वो ओटीपी को यहाँ पे एंट्री करके वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई हो जाएंगे आपका न्यू पेज खुल जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, कंग्रेचुलेशन, मोबाइल नंबर हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। इन नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेंगे, आपको पासवर्ड वाला पेज में खुल जाएंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको न्यू पेज खुल जाएंगे जो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, जो पासवर्ड हमने यहाँ पे क्रिएट किया, और इसके बाद कैप्चा 10+3 तो 13, और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है जो सर्विस पॉलिसी प्राइवेसी पॉलिसी को हमने एक्सेप्ट किया है, और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट है, क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक किया। तो यहाँ पे देखिएगा, वेलकम टू द वाटर पोर्टल, लेट्स स्टार्ट द जर्नी विद अ सिंगल एंट्री पॉइंट फॉर वाटर सर्विस के लिए आ गया। यहाँ पे वेलकम के ऊपर आपको क्लिक किया, यहाँ पे जो वाटर पोर्टल का डैशबोर्ड खुल गया है। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, एक तो होम है, इलेक्ट्रोल सर्च है, कंप्लेंट है, ट्रैक स्टेटस है, और लैंग्वेज यहाँ से चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, और फीडबैक दे सकते हैं, और आपका प्रोफाइल व्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू वाटर रजिस्ट्रेशन, अगर न्यू है तो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आपका वाटर आईडी में करेक्शन है तो यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं, या शिफ्टेड टू अदर प्लस, आप दूसरी जगह में चेंज हो गया तो अपना कंस्टिट्यूएंसी चेंज करने के लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर आईडी, आपका पुराना वाटर आईडी है उसका रिप्लेसमेंट यहाँ से कर सकता है, और उसके बाद डिलीटेशन ऑफ वाटर आईडी, यहाँ से अपना डिलीटेशन भी कर सकता है। तो हम फिलहाल सर्च करके देखेंगे, सर्च इन इलेक्ट्रोल में अपना एपिक नंबर डालेंगे और यहाँ पे सर्च करके देखेंगे। अपना वो एपिक नंबर यहाँ पे एंट्री किया, एंट्री करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया,
जो सर्चिंग इन रिकॉर्ड 91 करोड़, यहाँ पे अपना डिटेल पूरा आ गया तो अपना यहाँ पे एक्टिव है। यहाँ पे देखिएगा अपना वाटर पोर्टल में आ गया, यहाँ पे अपना रिप्लेसमेंट कार्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे न्यू पेज खुल गया, पशुपति माय नेम इज वाटर मित्रा, ये पेज खुल गया। इसके बाद आपको लेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हैव वाटर आईडी नंबर, डू यू ऑलरेडी हैव वाटर आईडी नंबर? अगर आपका पास यस हो तो यस के ऊपर क्लिक करिए, अगर नो हो तो नो के ऊपर क्लिक करिए। हमारा पास ऑलरेडी है तो हमने यस के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे अपना एपिक नंबर को दर्ज किया, दर्ज करने के बाद फेच डिटेल है, फेच डिटेल के ऊपर क्लिक करते हुए यहाँ पे देखिएगा वी हैव फाइंड द रिकॉर्ड वाटर आईडी नंबर सोन सोन, प्लीज क्लिक टू प्रोसीड बटन। जैसे प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपको ये अपना पोलिंग सेशन वगैरह जो डिटेल है वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद बॉक्स इसको राउंड मार्क है इसके ऊपर सेलेक्ट किया और यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। तो यहाँ पे देखिएगा दोबारा अपना मोबाइल नंबर वैलिडेट करने के लिए मांगेंगे, जो मोबाइल नंबर हमने जो दिया था उस नंबर यहाँ पे एंट्री किया और ओटीपी के ऊपर क्लिक किया। अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था, हमने जो रजिस्टर किया था उसी नंबर पे एक ओटीपी फिर दोबारा जाएंगे। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे एंट्री करने के बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना, जो मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया और यहाँ पे रीजन पूछेगा, रीजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर आईडी, तो आपका रीजन यहाँ पे देना है जो भी है, हमने दे दिया ओल्ड कार्ड और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। जो आई विल कलेक्ट वाटर आईडी फ्रॉम सीआरएससी, आई विश टू रिसीव माय वाटर आईडी बाय पोस्ट, आई कलेक्ट वाटर आईडी फ्रॉम बीएलओ, जो हम फिलहाल हमने वाटर आईडी बाय पोस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन एनेक्सर 1 का पेज खुल जाएंगे और हमारा पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक किया, सबमिट के ऊपर क्लिक करते हुए आपको न्यू पेज, जो प्रीव्यू पेज से आपको न्यू पेज में चला जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कंग्रेचुलेशन पशुपति, यू हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी आ गया है और रेफरेंस नंबर से आप अपना कार्ड को ट्रैक भी कर सकते हैं। इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो ट्यूटोरियल में, आपका जो वाटर आईडी एपिक कार्ड डिजिटल ईपीआईसी कार्ड को कैसे डाउनलोड करना, इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट होंगे आप हमारा कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम उसको जरूर रिप्लाई देंगे। साथ में इस यूआरएल जो आपने वाटर पोर्टल में जाने के लिए वो यूआरएल हमारा डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उसको भी क्लिक करके डायरेक्ट अपना मोबाइल से डाउनलोड कर सकता है। दोस्तों ये आपका चैनल है, हमारा वीडियो जितना भी आपके पास पहुंचने के लिए, आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगा हुआ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करने से हमारा आने वाला वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।